जिला सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्र संगड़ा हरिपुर धार शिलाई में गोभी मटर लहसुन की फसल काफी अच्छी पैदा हो रही है। इस बार की फसल को देखकर किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में नकदी फसलें गोभी मटर लहसुन आदि तैयार हो रही है, जबकि आजकल किसान मटर का तुड़ान कर रहे हैं। सभी फसलों को बोरी में भरकर आसपास की मंडियों व उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली की मंडियों में पहुँचाया जा रहा है, जिससे इस बार किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये पहला तुड़ान मटर का है। मटर के साथ गोभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, जिससे किसान काफी खुश हैं। गोभी का बीज तैयार करके अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार ऐसे ही दाम किसानों को देती रहेगी तो यहाँ का किसान भी काफी समृद्ध बन जाएगा। किसानों का मानना है कि इस बार भी ऐसे ही अच्छे दाम मिलते रहे तो जो फसलें उन्होंने उगानी बंद कर दी थी फिर से उन्हें उगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों ने अदरक हल्दी गागटी कचाली ये सारी फसलें उगाना बंद कर दी थी। जब भी इन्हीं फसलों के कारण पिछले पूर्व अपने गुजर बसर करते थे, लेकिन अच्छे दाम न मिलने के कारण किसानों ये फसलें बीजना बंद कर दी थी। हम मटर लगाते हैं, फिर हम इसकी गुड़ाई करते हैं और खाद डालते हैं इसमें, फिर जब बड़े हो जाते इसमें जामे लगाते हैं। और अब हमारे मटर का तुड़ान चल रहा है 43 रुपये किलो, किलो के हिसाब से किलो 43 रुपये किलो रेट बढ़िया मिल रहा है हमारे को 42 रुपये 43 रुपये किलो। क्या हमारी खेती चल रही है मटर की और जामे ठीक ढंग से हो रहे मटर, और इसमें हमारे को रेट ठीक नहीं रहा है मटर का, और खाद ठीक टाइम से डाल रखी है हमने, और मटर बढ़िया हो रहे इस साल, और रेट भी ठीक रह रहा है मटर का। तो नवंबर में और पनीरी डालने के बाद फिर एक महीने के बाद जब पनीरी तैयार हो जाती उसके बाद जी खेत में बिल्कुल खेत तैयार करके और इसमें थोड़ी लाइनें देते और उसमें पौध लगा लेते जी इसके बाद, और इसके बाद फिर सिंचाई वगैरह करते हैं, फिर इसकी गुड़ाई करते हैं, और जब इसमें वो फूल निकल जाता उसके बाद फिर इसमें टहनियाँ छूट जाती है, उसके बाद इसमें फिर बीज का सफ़ेद फूल निकलता है जी, और उसके बाद इसमें फलियाँ जब उसमें पीलापन आएगा तो उसको काटेंगे हम, कोई 3-4 बार कटेंगे जी, और उसके बाद हम जैसे ऊपर कहीं लेंटर के ऊपर इसको इकट्ठा करके और ऊपर से तरपाल डाल के इसमें फिर वो भाप सा निकलेगा, फिर इसको धूप में भी सुखाने के लिए डालेंगे और फिर इसको झाड़ेंगे, इसमें से बीज निकालेंगे जी, और उसको बीज तैयार करके मतलब ये जून के महीने ये लास्ट होएगा इसका, और फिर वो कंपनी वाले जो सोलन के शकुंतला सीड वाले हम उनको दे देते हैं जी। और गोभी के साथ जी लहसुन भी लगाते हैं और मटर भी लगाते हैं जी, और कई प्रकार की सब्जी लगाते हैं जी। अब हम मतलब मई लास्ट में लगाएंगे जी अदरक, और उसके बाद फिर जी वो बीन वगैरह भी बीजते हैं जी। हम इसमें अदरक उदरक लगाएंगे, अदरक के बाद और भी सब्जियां लगाते हैं जैसे बीन हो गया और टमाटर हो गए, और इसको हम नौराधार या राजगढ़ भेजते हैं मंडियों में, और हमारे को इसके उचित दाम मिलते हैं।